हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ उसको तैयार करने के लिए कॉस्टिंग आपको सिर्फ 50 से लेकर 60 रुपये आ जाएगा, बट उसे जब आप मार्केट में सेल करने जाओगे तो वो आपका प्रोडक्ट 200 रुपये से भी ज़्यादा के रेट में सेल हो जाएगा। और साथ में दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर यंगस्टर करते हैं, यानी कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में अगर आप अपने एरिया के अंदर भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप जो भी प्रोडक्शन निकालोगे वो आपका पूरा प्रोडक्शन आपके सिटी में ही सेल हो जाएगा और इस बिजनेस को करके आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बिजनेस आइडिया देख लेते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल का आइकन भी जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो प्रोडक्ट टिकटॉक और पबजी से इंस्पायर है। और आपको तो पता ही है कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में टिकटॉक और पबजी कितना ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आपका फेवरेट क्या है, टिकटॉक या फिर पबजी। तो दोस्तों, आज मैं आपको टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने घर बैठे बैठे टिकटॉक और पबजी की प्रिंट वाली टी शर्ट तैयार कर सकते हैं और उसको मार्केट में हाई प्राइस पर सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक सब्लिमेशन हीट मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो वो मशीन किस तरह का आता है और किस तरह से काम करता है उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है सब्लिमेशन हीट प्रेस। जैसे कि आप देख रहे हो, साइज में काफी छोटा है और इसको यूज करना एकदम आसान है। सबसे पहले आपको इसका टेम्परेचर सेट करना होगा और टेम्परेचर आपके टी शर्ट के कपड़े के ऊपर डिपेंड रहेगा और उसके लिए आपको यूजर मैनुअल भी दिया जाएगा कि किस कपड़े के लिए कितना टेम्परेचर रखना है। उसके बाद में आप जो भी टी शर्ट को प्रिंट करना चाहते हो उसको यहाँ पर अच्छी तरह से ले जाना है। आप इसमें किसी भी साइज का टी शर्ट बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद में पेपर के ऊपर आपको प्रिंटर और कंप्यूटर की मदद से एक प्रिंट कर लेना है और उसको इस टी शर्ट के ऊपर मिरर व्यू में लगा देना है। दोस्तों, यहाँ पर हम टेप का यूज करेंगे ताकि हमारा जो प्रिंट है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर रह सके और उसका अच्छी तरह से प्रिंट टी शर्ट के ऊपर हो सके, इसीलिए यहाँ पर हम टेप लगाएंगे। और उसके बाद में इस मशीन को टर्न करके यहाँ से लॉक कर देंगे, जिसकी मदद से ये मशीन ऑन हो जाएगा। अभी 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर आपका टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट हो गया और हम देख लेते हैं किस तरह का डिजाइन इसके ऊपर प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले हम पेपर को साइड में रख देते हैं, कुछ इस तरह का हमारा प्रिंट था। और अभी टी शर्ट को देख लेते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत बढ़िया इसके ऊपर प्रिंट हो गया है। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डिजाइन इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये मशीन आता है। जैसा कि आपने देखा कि इसको चलाना एकदम सिंपल है। अगर आप इस मशीन को खरीद के इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो इस मशीन को आप ऑनलाइन अमेजोन की वेबसाइट से मंगवा सकते हो या फिर इनके डीलर का नंबर आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर इस मशीन की प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये मशीन आपको 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिल जाएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मशीन को खरीद सकते हो। और इसके साथ में अगर आपके पास एक प्रिंटर और साथ में लैपटॉप नहीं है तो वो भी आप ऑनलाइन अमेज़न की वेबसाइट से मंगवा सकते हो। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आप इन सारी चीजों का ऑर्डर दे सकते हो। और इस बिजनेस के अंदर अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर आपको सब्लिमेशन पेपर प्रिंटिंग के लिए और साथ में प्लेन टी शर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हम प्रॉफिट या फिर मुनाफे की बात करें तो किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जानने के लिए सबसे पहले आपको उसके रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जानना जरूरी होता है। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल के तौर पर हमारा यूज़ होता है प्लेन टी शर्ट। तो प्लेन टी शर्ट आपको होलसेल में 40 से लेकर 50 रुपये के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, प्लस इसके अंदर जो भी प्रिंटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आता है। तो टोटल आपका एक टी शर्ट प्रिंटिंग साथ कंप्लीट होने के बाद आपका 50 से लेकर 60 रुपये के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिसे अगर आप मार्केट में सेल करने जाते हो तो वो टी शर्ट आपको 200 रुपये में तो मिनिमम सेल ही हो जाएगा। कहीं जगह पर तो इसका 250 या फिर 300 रुपया भी आप चार्ज कर सकते हैं।
अभी बात आती है कि ये टी शर्ट आप कहाँ पर सेल करने चाहोगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और साथ में आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल भी हो सके, तभी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, तो अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरू कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये सारी चीजें खरीदने के बाद सबसे पहले 50 टी शर्ट आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, यानी कि पबजी का ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक का चल रहा है या फिर जो सोशल मीडिया चल रहा है ज्यादा से ज्यादा, उसके मुताबिक आप डिजाइन बना सकते हो और उस डिजाइन को उस टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हो और उस 50 टी शर्ट को लेके किसी बड़ी कॉलेज के आसपास में या फिर किसी गार्डन के आसपास में या फिर किसी बड़े शॉपिंग मॉल के आसपास में जा सकते हो, यानी कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर का आना जाना होता है उस जगह पर जाके आप इस टी शर्ट को सेल कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर आप एक बड़ी सिटी में जाके इसको सेल करते हो तो आप पर डे का मिनिमम 50 टी शर्ट तो बड़ी आसानी से सेल कर ही सकते हो और इस बिजनेस को करके पर डे का 5,000 से लेकर 7,000 रुपए का प्रॉफिट बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का ये बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसके बारे में आप मेरे से कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं और साथ में कमेंट में ये भी लिखना कि आज का ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।